जो 9.4 एक्सरसाइज के 19 तक के क्वेश्चन हमने निपटा दिए थे, देखो 20 का क्वेश्चन। किसी बैंक में मूलधन की वृद्धि 8% वार्षिक की दर से होती है, यदि 100 रुपए 10 वर्षों में दुगने हो जाते हैं तो आर का मान ज्ञात कीजिए, लोग 2 बराबर दिया है। तो सबसे पहले बेटा मानना पड़ेगा हमें कि माना मूलधन बराबर पी रुपये है। अब जब मूलधन पी है तो प्रश्न अनुसार क्या दिया बेटा इसने, इसने दिया है कि किसी बैंक में मूलधन की वृद्धि, तो यानी मूलधन की दर में परिवर्तन हो रहा, तो यानी डीपी अपॉन डीटी, और डीपी अपॉन डीटी किस रेट से बढ़ रही है बेटा, आर प्रतिशत। तो यानी पी किस रेट से बढ़ रही है, पी का आर प्रतिशत। ये तो मतलब हुआ इसका भाई डीपी अपॉन डीटी यानी मूलधन की वृद्धि की दर है कितनी, आर प्रतिशत। भाई आर प्रतिशत पी का ही तो है, तो आप लिखेंगे पी का आर प्रतिशत। तो बेटा इनमें क्या है, इक्वेशन भी खुद ही जनरेट करनी, तो dp बराबर dt बराबर p का मतलब गुणा r प्रतिशत का मतलब r बटे 100। अब dt को इधर लेके जाएंगे तो यहाँ आप लिखेंगे dp इज इक्वल टू p इंटू r बटे 100 और इंटू में लिख दिया आपने dt। क्लियर होगी बात यहाँ तक। अब आप थोड़ा सा और इसको ठीक करेंगे, हाल तो ठीक क्या करना, p को लाएंगे बस इधर और यहाँ लिखेंगे बाई वेरिएबल सेपरेबल मेथड। तो बेटा 1 अपॉन पी डी पी इज इक्वल टू आर अपॉन 100 और यहाँ लिखा आपने डीटी। अब आप क्या करेंगे, इंटीग्रल बोथ साइड, जब आप इंटीग्रल करेंगे 1 अपॉन पी का इंटीग्रल लॉग पी और बेटा आर अपॉन 100 कांस्टेंट हो गया और 1 का इंटीग्रल टी और प्लस कांस्टेंट सी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। भाई कल भी तो हम ऐसे ही कर रहे थे, तो सेम यही बात, बल्कि अगर संभव हो सारे के सारे लॉग के आ रहे तो आप चाहो तो आग भी कांस्टेंट लॉग का ले सकते हो, लॉग सी, ताकि थोड़ा आसान रहे। अब आप क्या करेंगे बेटा, इसमें कंडीशन रखेंगे यहाँ से, तो आप लिखेंगे यहाँ पर प्रश्न अनुसार। तो क्या दिया है भाई प्रश्न अनुसार इसने, देखो प्रश्न अनुसार पढ़ो 20वें क्वेश्चन को, यदि 100 रुपये 10 वर्षों में दुगने हो जाते हैं, तो भाई अगर टाइम 0 था तो प्रिंसिपल कितना था आपका, 100 रुपये। पहली तो कंडीशन यही है, जब आपने स्टार्टिंग में डाले तो 100 ही रुपए थे, 10 वर्षों में तो दुगने हुए, यानी टाइम की वैल्यू अगर 0 है तो प्रिंसिपल कितना है आपका, 100 रुपए। रखो भाई, इसको रखा आपने समीकरण एक में, तो समीकरण एक में जब आपने मान रखा लॉग पी यानी लॉग 100 इज इक्वल टू आर अपॉन 100 इनटू टी, 0 हो गया और बराबर हो गया आपके पास लॉग सी, तो बेटा सी बराबर हो गया आपके पास 100। ओके होगी बात यहाँ तक, तो सी बराबर 100 आप वापस रखोगे मान कहाँ, समीकरण एक में। तो बेटा जब आप समीकरण एक में मान रखोगे तो लॉग पी बराबर, समीकरण एक क्या थी आपकी, ये थी लॉग पी बराबर आर अपॉन 100 इंटू टी और प्लस आ गया आपके पास लॉग सी, तो लॉग सी का मतलब आ गया आपके पास लॉग 100। क्लियर होगी बात यहाँ तक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको आपने मान लिया समीकरण नंबर 2। अब जब समीकरण 2 माना तो अगली शर्त क्या कही इसने, 100 रुपये 10 वर्षों में दुगने हो जाते हैं, यानी टाइम इस बार कितना है भाई, 10 वर्ष, और प्रिंसिपल कितना हो गया इस बार, 200 रुपये। ये तो मतलब हुआ, तो इस बार टाइम जो है वो कितना हो गया आपके पास, 10 वर्ष, और पी बराबर हो गया आपके पास 200। तो रखे भाई मान, ये मान उठाया आपने और कहा रखा मान समीकरण 2 में रखने पर, तो बेटा यह आया आपके पास लॉग पी यानी लॉग 200 इज इक्वल टू आर अपॉन 100, तो हमने भी आर अपॉन 100 लिखा इंटू टी, टी की वैल्यू आपके पास 10 और प्लस आ गया आपके पास लॉग 100। ओके, तो एक 10 से काटा 10 आ गया यहाँ से, लॉग 100 को इधर ले आया, तो लॉग 200 माइनस लॉग 100 बराबर आर अपॉन 10, तो लॉग एम माइनस लॉग एन क्या होता है, लॉग एम अपॉन एन, तो फाइनली लॉग 2 आ गया आर बटे 10। बेटा लॉग 2 का मान हमें दिया था इसने, कितना दिया था लॉग 2 का मान, 0.6931 गुणा 10 बराबर आर, और आर बराबर आ गया 6.931%। भाई दर ही तो ज्ञात करनी थी हमें, आर बराबर आ गया 6.931। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 21 आप बिल्कुल इसी की तर्ज पे करोगे, और एक उदाहरण भी है इसके जैसा, उदाहरण कौन सा, ये बेटा उदाहरण नंबर 14 है इसके जैसा, 21 जैसा, और क्वेश्चन नंबर 22 मैं आपको बता दे रहा कैसे होगा, ठीक है भाई। किसी समूह में जीवाणुओं की संख्या
एक लाख है, दो घंटे में इनकी संख्या में 10% की वृद्धि होती है। कितने घंटों में? जीवाणुओं की संख्या 2 लाख हो जाएगी। यदि जीवाणुओं के वृद्धि की दर, ध्यान दे बेटा, जीवाणुओं के वृद्धि की दर उनके उपस्थित संख्या के समानुपाती है। तो बेटा हमने अगर मान लिया कि जीवाणुओं की जो संख्या है वो पी है, तो क्या कहा इसने, यदि जीवाणुओं के वृद्धि की दर, तो यानी dp/dt, ध्यान दे मेरी बात पे, अगर हमने माना जीवाणुओं की जो संख्या है वो पी है, तो यदि जीवाणुओं के वृद्धि की दर यानी dp/dt उनके उपस्थित संख्या के समानुपाती है, तो समानुपाती पी, भाई उपस्थित संख्या पी तो है, यदि जीवाणुओं की उपस्थित संख्या लिख दो आप, उपस्थित संख्या पी है तो dp/dt प्रोपोर्शनल टू पी। अब आप क्या लिखेंगे, dp/dt और बराबर आ गया आपके पास, इसको आप लिखेंगे kp, भाई प्रोपोर्शनल हटा के हमने क्या लगा दिया, कांस्टेंट, आप लोग फिजिक्स में इसको पढ़ते ही हैं। फिर आपने लिखा बाई वेरिएबल सेपरेबल मेथड, तो बेटा ये लिखेंगे dp/p = kdt। ओके, होगी यहाँ तक की बात। अब आप इंटीग्रल करेंगे, 1/p का जो इंटीग्रल आएगा log p, और इधर आ गया आपके पास kt+c, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो यहाँ आया आपके पास log p बराबर kt+c, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब बेटा इस इक्वेशन में मान डालना शुरू करते हैं हम। देखो भाई मान, तो बेटा स्टार्टिंग में टाइम जब जीरो था, स्टार्टिंग का टाइम तो हम लोग जीरो ही लेके चलेंगे, टाइम अगर जीरो था हमारे पास, तो जीवाणुओं की संख्या कितनी थी, 1 लाख। तो ये मान उठाओ और कहाँ रखो, समीकरण एक में। तो ये आगे बेटा log p का मतलब log 1 लाख = kt, टी का मान 0 और बराबर c, तो यानी c बराबर आ गया आपके पास log 1 लाख। और बेटा इस c के मान को वापस रखेंगे, कहाँ रखेंगे, समीकरण एक में। तो जब समीकरण एक में मान रखोगे, तो ये आया आपके पास log p बराबर kt+c, और c कितना आ गया आपके पास log 1 लाख, और इस पे डाला हमने समीकरण नंबर 2। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक की बात सबकी समझ आई होगी, log p बराबर kt+log 1 लाख। बेटा अगली कंडीशन में इसने कहा है दो घंटे में 10% की वृद्धि होती है। तो बच्चों अगर दो घंटे में 10% की वृद्धि हो रही है, तो इस बार टाइम कितना हो गया, 2 घंटे। तो बेटा टाइम इस बार कितना है, 2 घंटे, और कितनी होगी 10% की वृद्धि। तो 10% की वृद्धि बोला 1 लाख तो पहले ही थे, और प्लस ये है 1 लाख का 10%, ये क्या है बेटा 1 लाख का 10%। तो 1 लाख का 10% कितना होता है, 10,000, सभी को पता है। तो 1 लाख में 10,000 जोड़ दिए तो कितने हो गए बैक्टीरिया, 1 लाख 10,000। तो कहाँ रखे मान बेटा, समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 में जब आप मान रखोगे log 1 लाख 10,000 यानी log p बराबर kt, तो बेटा k तो है k ही, t का मान कितना रख दिया 2, और प्लस ये आ गया आपके पास log 1 लाख, log m माइनस log n, तो log m बटा n, बेटा log सीधा सीधा 11/10 हो गया, और बराबर आ गया आपके पास 2k, तो यानी k बराबर आ गया आपके पास 1/2 और log 11/10 बराबर k, ये हमारे पास k आ गया। अब k का मान उठा के कहाँ रखें, समीकरण 2 में। जब आप समीकरण 2 में रखेंगे मान, तो ये तो लेटेस्ट समीकरण है आपके पास, तो log p बराबर k, और भाई k का जो मान है आपके पास, k का मान है आपके पास 1/2 log 11/10। देखो log p बराबर k का मान 1/2 log 11/10 (t), और प्लस आ गया आपके पास log 1 लाख, समीकरण नंबर 3, लेटेस्ट इक्वेशन आ गया आपके पास समीकरण नंबर 3। अब आप थर्ड बात में क्या पूछा भाई इसने तुम्हारे से, दो घंटे में 10% हो जाती तो कितने घंटों में जीवाणुओं की संख्या 2 लाख हो जाएगी। तो कितने घंटे का मतलब क्या, टी की वैल्यू तो कैलकुलेट करनी, कितने घंटे में हो जाएगी, चाहे एन रख लो भाई, और संख्या पी बराबर कितनी होगी इस बार आपकी 2 लाख। समझे बात को, टी का मान ज्ञात करना, आप ऐसे भी तो मान सकते हैं कि टी का मान ज्ञात करना और संख्या कितनी होगी 2 लाख। तो रखे मान भाई
लॉग 200,000 ऊपर रख दिया मान हमने, और यह 1/2 लॉग 11/10 और इनटू माया टी और प्लस आया आपके पास लॉग 100,000। क्लियर? तो लॉग एम माइनस लॉग एन करेंगे तो लॉग 200,000 माइनस लॉग 100,000, तो फाइनली ये कितना आ जाएगा, लॉग 2 और बराबर आ गया 1/2 लॉग 11/10 और इनटू में आ गया आपके पास टी। तो मुझे उम्मीद है समझ में आ रही होगी बात भाई। तो 2 को आप इधर ले आए यहाँ से, तो ये हो गया आपके पास 2 log 2 और अपॉन में आ गया आपके पास लॉग 11/10 और बराबर टी। तो यानी कितने घंटे बाद जाएगी संख्या, 2 log 2 अपॉन लॉग 11/10 घंटे बाद संख्या डबल हो जाएगी। तो इसके बाद आपका जो क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 23 जो आपका क्या है, ऑब्जेक्टिव है, इसको आप ट्राई करेंगे। तो आज का होमवर्क तो बेटा ना के बराबर ही है, कोई बात नहीं, आज आप इतना ही होमवर्क करें, कोई दिक्कत नहीं है।